बोलो हलषष्ठी माता की जय। नारद जी तीसरे अध्याय की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे देवकी माता, उज्जैन नाम के नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। वो ग्वाला सीधा था, सरल था, भगवान की भक्ति करने वाला था, भगवान का ध्यान करने वाला था, पर उनकी पत्नी जो है बड़ी चतुर थी, चालाक थी, कृपण थी। उनके पांच पुत्र थे। इस प्रकार उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही थी। ग्वालिन प्रतिदिन नगर में दूध दही बेचती, ऐसा उनका जीवन चल रहा था। हलषष्ठी के व्रत का दिन आया और हलषष्ठी व्रत के दिन भैंस के दूध, भैंस की दही, भैंस की घी का उपयोग जो है पूजा में किया जाता है। पर ग्वालिन विचार करने लगी, भैंस की दूध दही तो बिक जाएगी पर गाय के दूध दही को कौन लेगा। ऐसा विचार करके वो ग्वालिन झूठ बोल करके गाय के दूध और गाय की दही, गाय के घी को सबके घर में भैंस का दूध है, दही है बोल करके बेच करके आ गई, छल की, कपट की। और वापस आकर के जब देखी तो उनके पांचों पुत्र जो है मूर्छित पड़े हुए हैं। वो विचार करने लगी, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। रोने लगी, विलाप करने लगी। उनके रोने की आवाज उनकी पड़ोसन सुनी और आकर के पूछने लगी, बहन ये सब घटना कैसे घटी। तो ग्वालिन बताने लगी, मैं गांव में आज गई थी और वहां जाकर के गाय के दूध, गाय के दही को भैंस का दूध है, दही है ऐसा बोल करके छल करके, कपट करके बेच करके आई हूँ। पड़ोसन समझाने लगी, बहन आज तो माता हलषष्ठी का व्रत है और हलषष्ठी व्रत के दिन ऐसा छल, ऐसा कपट तुमको नहीं करना चाहिए। तुम फिर से वापस जाओ और जहां जहां गाय का दूध, दही, घी वितरण की हो उनको भैंस का दूध, भैंस की दही, भैंस का घी दो, सबसे क्षमा मांगो और क्षमा मांग करके आके प्रेम पूर्वक माता हलषष्ठी की पूजा करो, उनके व्रत को करो और उनकी कथा को श्रवण करो। माता से निवेदन करो, माता तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करेंगी, तुम्हारे जीवन के संकट को हरण करेगी। ग्वालिन जो है वैसे की जहां जहां गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी दे करके आई थी उनको बदल करके भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का घी सबको दी और सबसे क्षमा मांग करके आई, प्रेम पूर्वक माता हलषष्ठी की पूजा की। मां से निवेदन करने लगी, मां मैं आपकी महिमा नहीं जानती, पूजा के नियम को नहीं जानती, मैं छल करने वाली हूँ, कपट करने वाली हूँ। माँ मेरी इस अपराध को आप क्षमा करो और मेरे जीवन में जो संकट आया है उनको दूर करो। माँ तो सब पे प्रसन्न होने वाली है। उनकी प्रार्थना सुनकर के माँ प्रसन्न हो गई और उनके जो बच्चे मूर्छित पड़े हुए थे वो पुनः जीवित हो गए। उस दिन से ग्वाली छल को त्याग के, कपट को त्याग के प्रेम पूर्वक माता की भक्ति करने लगी। इसलिए कभी भी छल कपट से भगवान प्रसन्न नहीं होते, माँ प्रसन्न नहीं होती। इसलिए व्रत के दिन छल नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक माँ का ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। हलषष्ठी माता सबके मनोरथ को पूर्ण करती है, जो उनके दरबार में जाता है मनोवांछित फल पाता है। बोलो हलषष्ठी माता की जय। इति हलषष्ठी माता व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय की कथा आप सुने हैं। चौथे अध्याय की कथा रसपान करने के लिए आप हमारे चैनल राजेश व्यास जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और माँ जगदम्बा का ध्यान करके आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। बोलो हलषष्ठी माता की जय।